श्री विष्णु पुराण तीसरा अध्याय भारत आदि नौ खंडों का विभाग। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, जो समुद्र के उत्तर तथा हिमालय के दक्षिण में स्थित है वह देश भारतवर्ष कहलाता है। उसमें भारत की संतान बसी हुई है। हे महामुनि, इनका विस्तार 9000 योजन है। यह स्वर्ग और अपवर्ग प्राप्त करने वालों की कर्म भूमि है। इसमें महेंद्र, मलय, सहन, शुक्तिमान, रक्ष, विंध्या और पारियात्र, ये 7 कुल पर्वत हैं। हे मुनि, इसी देश में मनुष्य शुभ कर्मों द्वारा स्वर्ग अथवा मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं और यहीं से पाप कर्मों में प्रवृत्त होने पर वे नरक अथवा तुरग योनि में पड़ते हैं। यहीं से कर्मानुसार स्वर्ग, मोक्ष, अंतरिक्ष अथवा पाताल आदि लोकों को प्राप्त किया जा सकता है। पृथ्वी में यहाँ के सिवा और कहीं भी मनुष्य के लिए कर्म की विधि नहीं है। इस भारतवर्ष के 9 भाग हैं, उनके नाम ये हैं: इंद्रद्वीप, कसैरु, ताम्रपर्ण, गभिस्तमान, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व और वारुण, तथा यह समुद्र से घिरा हुआ द्वीप उनमें नवा है। यह द्वीप उत्तर से दक्षिण तक सहस्त्र योजन है। इसके पूर्वीय भाग में किरात लोग और पश्चिमीय में यवन बसे हुए हैं, तथा यज्ञ, युद्ध और व्यापार आदि अपने अपने कर्मों की व्यवस्था के अनुसार आचरण करते हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रगण वर्ण विभागानुसार मध्य में रहते हैं। हे मुनि, इनकी शत्रुदु और चंद्रभागा आदि नदियाँ हिमालय की तलाटी से, वेद और स्मृति आदि पारयात्र पर्वत से, नर्मदा और सुरसा आदि विध्यांचल से, तथा तापी, पयोषणी और निर्विंध्या आदि वृक्षगिरी से निकली हैं। गोदावरी, भीमरथी और कृष्णवेणी आदि पापहारिणी नदियाँ सह पर्वत से उत्पन्न हुई कही जाती हैं। कृतमाला और ताम्रपर्णी आदि मलयांचल से, त्रिसामा और आर्यकुलया आदि महेंद्रगिरी से, तथा ऋषिकुलया और कुमारी आदि नदियाँ शक्तिमान पर्वत से निकली हैं। इनकी और भी सहस्त्रों शाखा नदियाँ और उपनदियाँ हैं। इन नदियों के तट पर कुरु, पांचाल और मध्य देश के रहने वाले, पूर्व देश और कामरूप के निवासी कुंभ, कलिंग, मगध और दाक्षिणाताया लोग, अपरांत देशवासी सौराष्ट्रगण तथा शूर, आभीर और अबुर्दगण, कारुष, मालव और पारयात्र निवासी, सौवीर, संधव, हुण, साल्व और कौशल देशवासी तथा माद्र, आराम, अंबष्ठ और पारसी गण रहते हैं। हे महाभाग, वे लोग सदा आपस में मिलकर रहते हैं और इन्हीं का जलपान करते हैं। इनकी सन्निधि के कारण वे बड़े हष्ट पुष्ट रहते हैं। हे मुनि, इस भारत वर्ष में ही सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलि युग नामक 4 युग हैं, अन्यत्र कहीं नहीं है। इस देश में परलोक के लिए मुनिजन तपस्या करते हैं, याज्ञिक लोग यज्ञानुष्ठान करते हैं और दानी जन आदर पूर्वक दान देते हैं। जम्बूद्वीप में यज्ञमय यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु का सदा यज्ञों द्वारा यजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य द्वीपों में उनकी और प्रकार से उपासना होती है। हे महामुनि, इस जम्बूद्वीप में भी भारतवर्ष सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यह कर्म भूमि है। इसके अतिरिक्त अन्य नए देश भोग भूमिया है। हे सतम, जीव को सहस्त्रों जन्मों के अनंतर महान पुण्यों का उदय होने पर ही कभी इस देश में मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। देवगण भी निरंतर यही गान करते हैं कि जिन्होंने स्वर्ग और अपवर्ग के मार्गभूत भारत वर्ष में जन्म लिया है, वे पुरुष हम देवताओं की अपेक्षा भी अधिक धन्य बड़भागी हैं। जो लोग इस कर्म भूमि में जन्म लेकर अपनी फलांकांक्षा से रहित कर्मों को परमात्मा स्वरूप श्री भगवान विष्णु को अर्पण करने से निर्मल पाप पुण्य से रहित होकर उन अनंत में ही लीन हो जाते हैं, वे धन्य हैं। पता नहीं अपने स्वर्ग प्रद कर्मों का क्षय होने पर हम कहाँ जन्म ग्रहण करेंगे।
धन्य तो वे ही मनुष्य हैं जो भारतवर्ष में उत्पन्न होकर इंद्रियों की शक्ति से हीन नहीं हुए हैं। हे मैत्रेय जी, इस प्रकार लाख योजन के विस्तार वाले नव वर्ष विशिष्ट इस जम्बू द्वीप का मैंने तुमसे संक्षेप से वर्णन किया है। हे मैत्रेय, इस जम्बू द्वीप को बाहर चारों ओर से लाख योजन के विस्तार वाले वलयाकार खारे पानी के समुद्र ने घेरा हुआ है। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के दूसरे अंश में तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि।